बीच बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा का बड़ा बयान आया है। उनका कहना है कि मैं गृह मंत्री बनना चाहता हूं, सीएम ने मंत्री बनाने का आश्वासन भी दे दिया है। तो बड़ी खबर, जहां पर सीएम ने आश्वासन दिया है सुरेंद्र सिंह शेरा को, उनका कहना है और उन्होंने ये भी कहा है कि आश्वस्त किया है सीएम कमलनाथ ने उन्हें। निर्दलीय विधायक हैं सुरेंद्र सिंह शेरा और उनका ये बड़ा बयान जहां पर गृह मंत्री वे बनना चाहते हैं और खुद उनका कहना है कि आश्वासन दिया है। सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा। भैया, सर क्या कुछ मुलाकात हुई है तरुण बोनर्ट जी से? हम मेरे क्षेत्र में जो खंडवा प्रांत में पीने के पानी की, इरिगेशन की और बेरोजगारी दूर करने के लिए जो जो कार्यक्रम हम करना चाहते हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई और पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, उसके बारे में पूरी विस्तृत चर्चा हुई तरुण मोहन के साथ। मंत्रिमंडल के विस्तार में मंत्री के रूप में देखा जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, एक पहला नंबर आएगा मेरा। सरकार में जो संकट था वो दूर हो गया? सरकार में कोई संकट नहीं था, कुछ होता है घर होता है तो घर में क्या है, छोटा बड़ा के बीच में कुछ ना कोई बात हो जाती है, मतभेद हो जाता है, उसको दूर कर देंगे, दूर किया जाएगा। कोई नाराजगी सरकार नहीं, सरकार से यही नाराजगी है कि जब तक आप सबको समस्या को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, और आपकी जो तकलीफ है पैसे की, जो आपको पैसे की कमी है, वो जब तक आप एमएलए से शेयर नहीं करोगे तो काम आगे कैसे बढ़ेगा। जब तक आप एमएलए को विश्वास में लेकर काम करोगे तो सभी खुश रहेंगे। जो दो विधायक लापता है कब तक आ जाएंगे? विधायक कोई लापता नहीं, सब मिलेंगे, आप विश्वास करिए खुद ही आएंगे। हरदीप सिंह डांग भी मेरे बहुत क्लोज है और कंसाना साहब भी मेरे बहुत भाई के रूप में है। हरदीप पता है कब तक आ जाएंगे? विधायक कोई लापता नहीं, सब मिलेंगे, आप विश्वास करिए खुद ही आएंगे। हरदीप सिंह डांग भी मेरे बहुत क्लोज है और कंसाना साहब भी मेरे बहुत भाई के रूप में है। हरदीप सिंह डांग तो मेरे दिल का टुकड़ा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी उसको। तो देख सकते हैं ये थे हमारे साथ सुरेंद्र सिंह शेरा, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो दो विधायक थे वो जल्द आ जाएंगे। कैमरामैन इमरान के साथ सनी मालवीय, न्यूज़ वर्ल्ड भोपाल। कुछ ना कोई तो साफ तौर पर कहना है सुरेंद्र सिंह शेरा का कि वे गृह मंत्री बनना चाहते हैं और सरकार को सभी को अपने समर्थन में लेना है तो उनको विश्वास में भी रखना होगा। साथ ही उनका यह भी कहना कि सीएम ने मंत्री बनाने का उन्हें आश्वासन दिया है और वे गृह मंत्री बनना चाहते हैं। और हमारे साथ एडिटर इन चीफ मनोज सैनी जी जुड़े हुए। मनोज जी, जो हमने बयान सुना वो, हालांकि पहले भी उन्होंने कहा था कि होली के पहले मैं मंत्री के पद पर रहूंगा, लेकिन अब गृह मंत्री बनने की इच्छा जताई, साथ ही आश्वासन का भी यहां पर हवाला दिया कि सीएम ने उन्हें आश्वासन तक दे दिया है। देखिए, यही मुसीबत है कांग्रेस के सामने सुनीता, कि यदि आप एक मांग पूरी करते हैं तो दूसरी मांग की तरफ नेता आगे आने लगते हैं। शेर सिंह शेरा पहले लगातार ये कहते रहे थे कि उन्हें मंत्री परिषद में स्थान मिले, वो मंत्री बने, जैसा उनको आश्वासन मिला उनके मुताबिक। हालांकि देखिए, कांग्रेस के किसी जिम्मेदार व्यक्ति की तरफ से ये नहीं कहा गया कि मंत्रिमंडल के विस्तार में उनको रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा, लेकिन जैसा उन्होंने कहा खुद शेर सिंह शेरा ने दो दिन पहले और आज भी कहा, मंत्रिमंडल में तो उनको स्थान मिलता है जी, लेकिन आप वो गृह मंत्री बनना चाहते, यानी आप देखिए कि नई डिमांड सामने आ गई। और जब आपके पास बहुमत नहीं होता है, पार्टी कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तो फिर इस तरह की सौदेबाजी चलती है जी। कभी कोई कहेगा कि मुझे गृह मंत्री बना दीजिए। अब आप देखिए कि जैसे तैसे बातें बन रही है, बिसाहू लाल जी भी पहुंचे तो अब हमें लग रहा है जैसे ही मंत्री बनने की बात होगी तो तेरा जैसे वो भी कहेंगे कि मुझे फलाना विभाग दे दीजिए। तो बड़ी मुसीबत है दरअसल सरकार के सामने भी, पर किसी भी तरह सरकार इस प्रयास में है कि इनको मना लिया जाए। तरुण भानोट उनको लेकर बैठे रहे और जब वो मीडिया के सामने आया तो उन्होंने वहां तो नहीं कहा, जैसे ही उनके सामने कैमरा आया तो उन्होंने नई डिमांड रख दी। तो हमें लगता है वो समझ रहे हैं मौके की नजाकत को, इस समय जो कहेंगे वो बात पूरी हो जाएगी जी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि कौन कौन क्या कहेगा और कितनी डिमांड पूरी होगी, क्या ये डिमांड पूरी नहीं होगी तो ये मुसीबत दिखाई देती रहेगी। हमें लगता है कांग्रेस एक अलग दौर से गुजर रही है सरकार जी। बिल्कुल, कहा जा सकता है कि सभी जो है इस वक्त को भुनाने के पूरे प्रयास में है कि ये जो वक्त है इसको भुना लिया जाए, कौन सा पद मिल सकता है इसे टटोल लिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह मनोज जी कि अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा बयान जारी नहीं हुआ है, सिर्फ सुरेंद्र सिंह शेरा स्वयं ये कह रहे हैं कि आश्वासन उन्हें मिल गया है। देखिए, सुरेंद्र सिंह शेरा ने ये कहा, दिग्विजय सिंह ने जरूर दो दिन पहले ये कहा था कि हाँ मैं भी चाहता हूँ जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो, और उन्होंने एक तरह से कहा जाए तो इशारा भी किया था कि होली के बाद संभावना ये जताई थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है।
लेकिन भाई है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा और जब शामिल होंगे तो कुछ लोगों की छुट्टी भी होगी, जिनकी छुट्टी होगी क्या वो खुश रह पाएंगे, तो ये बड़ी मुसीबत है। हमने कहा कि बहुमत के लिए जब पूरा आंकड़ा नहीं होता है किसी भी पार्टी के पास, तो इस तरह ब्लैकमेलिंग कहा जाएगा इसको सीधे शब्दों में, वो सब चलती रहती है, दबाव की राजनीति चलती रहती है। आज तेरा ने फिर दबाव बनाया है, रामबाई का पता नहीं है कहा जा रहा है, वो दिल्ली पहुंच गई जैसी जानकारी आ रही है, हालांकि अपनी बेटी को देखने जाने की बात कर रही है। बिसाहू लाल भी जब मिलकर निकले मुख्यमंत्री जी से तो वहां कुछ कह रहे थे, लेकिन जैसे मीडिया के सामने आया तो उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरे से कम उम्र के कम अनुभव के लोग मंत्री बन गए थे, इस पर मेरी नाराजगी थी। तो कुल मिलाकर अभी स्थितियां दबाव की है और दबाव में रहना भी पड़ेगा कांग्रेस को, और इसी का लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है। यदि किसी की मंशा पूरी नहीं होगी तो वो टूट कर उनकी तरफ आएंगे और उसका वो लाभ लेंगे, लेकिन ये भी बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि बड़े सीनियर लीडर है, कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह है, दोनों बड़े नेता है, घाघ नेता है, तो मंसूबों को पूरा होने नहीं देंगे, जैसा उनका बयान लगातार यानी दिग्विजय सिंह जी ये कह रहे हैं। पर अब आज सिंधिया के साथ कमलनाथ की मुलाकात है, वो और क्या नया गुण खिलाते हैं भी देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि भले ही ऑपरेशन लोटस में बीजेपी सफल नहीं हो पाई, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेसी खेमे में एक हलचल जरूर पैदा कर दी है। देखिए वो तो दिखाई दे रहा है, तरुण भानोट का आप चेहरे को पढ़ लीजिए, उनके साथ तेरा मिलते हैं तो उनके चेहरे पे किस तरह की चीजें दिखाई दे रही वो समझ आ रहा है। और जब इस तरह लगातार बयान, हम नहीं कह रहे, देखिए हम लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार स्थिर है, सरकार को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्थिर के साथ साथ इस तरह के दबाव, इस तरह की परेशानियों से जूझना पड़ेगा, और जब इस तरह की परेशानियों से सरकार जूझती है तो जो मंशा कमलनाथ जी की है वो विकास करना चाहते हैं, मध्यप्रदेश को एक अलग मैदान पर ले जाकर खड़ा करना चाहते हैं, जो वचन दिए उनको पूरा करना चाहते हैं, तो जब यही उलझ जाएंगे तो वो सब दिक्कतें जरूर दिखाई देगी, और अभी तो इससे निकलना पड़ेगा सरकार को, राज्यसभा तक ये सब चीजें देखने को मिलती रहेंगी। बिल्कुल, तो राज्यसभा चुनाव नजदीक है और इस बीच सियासी उठापटक और कहीं ना कहीं अब संतुष्टता भी रखनी है, और जो तमाम विधायक हैं उनको संभाल कर भी रखना है, बहुत सी जिम्मेदारी है, और इस बीच प्रदेश का विकास करने की भी बड़ी जिम्मेदारी कमलनाथ सरकार पर है। अब देखने वाली बात है कि जो दबी जुबान से लेकर सामने बयान आने लगे हैं कि मंत्री बनना है, गृह मंत्री बनना है, लेकिन कहां तक ये सियासत पहुंचती है। बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने बातचीत की हमारे संवाददाता सनी से और उन्होंने यही कहा है कि गृह मंत्री बनने की इच्छा है और सीएम कमलनाथ ने हमें आश्वासन भी दे दिया है। तो मध्य प्रदेश में सियासत का जो पारा है वो लगातार चढ़ता जा रहा है, मैं डाल डाल तू पात पात, लगातार यही स्थिति बन रही है, और सभी नाराजगी और मान मनौवल के बीच सरकार जो है वो स्थिरता कायम रखने की पूरी कोशिश कर रही है। राज्यसभा चुनावों तक यही स्थिति फिलहाल देखने को मिलेगी, जिस पर हमारी भी नजर है, आपकी भी नजर है, तो बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।